संस्कृति मंत्रालय के सचिव श्री अरुणेश चावला जी। राष्ट्रपति जी के कल उद्बोधन होगा और दोनों हाउस के लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स का ज्वाइंट सिटिंग संविधान सदन में होगा और उसमें 75th ईयर्स ऑफ द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सेलिब्रेशन यहाँ दिल्ली में होगा और साथ साथ में देश में हर एक जगह अलग अलग कार्यक्रम कई जगह में किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग उसी सदन में बैठेंगे जहां कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिटिंग हुए थे और कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया था, इसलिए ये ऐतिहासिक पल है। मैं मानता हूं कि इसमें सिर्फ जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का ये इवेंट नहीं है, ये हर एक भारतीय, हर एक भारत के नागरिक सबको मिल करके संविधान दिवस में शरीक होना है, दिल से मानना है और को पढ़ना है। इसके प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेकर के संविधान का सम्मान करना, इसके अलावा इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं था, लेकिन 19 नवंबर 2015 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से एक नोटिफिकेशन जारी होता है और उसमें लिखा रहता है कि बाबा साहब बी.आर. अंबेडकर जी की 125वीं जयंती के अवसर पर सरकार ये निर्णय लेती है कि आने वाले समय में 26 नवंबर का दिन प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये महत्वपूर्ण निर्णय था नरेंद्र मोदी जी का। संविधान जो हम सबका स्वाभिमान भी है, भारत का संविधान जो केवल मात्र एक कानूनी दस्तावेज होने के बजाय लोकतंत्र, न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की मूर्त भावना को हम सब के बीच में मूर्त रूप देने वाला एक जीवंत दस्तावेज है। उस दस्तावेज के 75 को अंगीकृत करने, जिसके आधार पर हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र ऐसा पहचान बनाने में अपने सफल हुए, जिस संविधान के अनुरूप काम करते हुए आज 75 साल में भारत प्रगति करते हुए इस मुकाम पर आकर के पहुंचा है कि पूरे विश्व भर में भारत का मान और सम्मान बढ़ाए।